हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे आप सब, आपके लिए एक ड्रैग रेस और गाड़ी दिखा देता हूँ, अपनी क्रेटा और टाटा नेक्सोन ईवी। दोनों गाड़ियों के पार्ट्स से बात कर ली जाए तो क्रेटा में 113 bhp और 250 nm का टॉर्क, और नेक्सोन ईवी में 127 bhp और 245 nm का टॉर्क। और दोनों गाड़ियों के वेट की बात कर ली जाए तो क्रेटा में 1600 kg और इसमें नेक्सोन में 1400 kg वेट है। और दोनों गाड़ियों के ट्रांसमिशन की बात कर ले तो क्रेटा अपनी मैनुअल है और नेक्सोन ऑटोमेटिक है। और क्रेटा में 1500 cc का इंजन आता है, क्रेटा डीजल में है और ये अपनी बैटरी इलेक्ट्रिक है। और जो इसकी नेक्सोन ईवी की जो 0 to 100 है वो 9.9 सेकेंड, और जो अपनी नेक्सोन ईवी है इसमें 30.2 kWh की बैटरी आती है। तो आपको रेस दिखाते हैं क्या रहता है, दोनों गाड़ियों में कौन सी जीतती है। इस फर्स्ट राउंड शुरू करते हैं, मैं हूँ नेक्सोन ईवी में, तो अपनी ऑटोमेटिक है। कितने मोड आते हैं इसमें? इसमें 4 मोड हैं। 4 मोड कौन से कौन से? ये वाले नहीं, वैसे स्पोर्ट्स और ड्राइव मोड और न्यूट्रल मोड। ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड, 2 मोड है इसके अंदर। तो पहले ड्राइव मोड पे करेंगे फर्स्ट राउंड। शीशा नीचे करना। ड्राइव मोड पे, ड्राइव एसी ऑन है। तो क्या लगता है आपको कौन सी गाड़ी जीतेगी? क्रेटा जीत सकती है। क्रेटा जीत सकती है, अपनी गाड़ी भरोसा नहीं है भाई? भरोसा इलेक्ट्रिक है भाई तुम्हारे पास? अरे मैं ड्रैग रेस करता नहीं, उनको आदत नहीं है। क्या आदत नहीं है? लेकिन ड्रैग रेस नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी रॉकेट है। रॉकेट। तो गाइस 3 राउंड पे रेस शुरू करते हैं, रेडी रहे। ड्राइव मोड पे है ना? तो भाई क्रेटा का लॉन्च अच्छा था, अब देखते पकड़ पाती है नहीं पकड़ पाती। 60 80, क्रेटा ने 2 गाड़ी का गैप बना दिया, 90 100, और भाई गैप बनता ही जा रहा है भाई। क्रेटा ने कमाल कर दिया, क्रेटा इस राउंड की विनर अपनी क्रेटा रही। कुछ ना होया, हाँ बढ़िया हुआ गियर, क्रेटा जीत गई। लाग गया था ना था स्पोर्ट्स मोड में? स्पोर्ट्स मोड नहीं लग रहा। ना लग रहा ना। क्यों? बैटरी कम कर दी। स्पोर्ट्स मोड ना लागता, बैटरी कम है। अरे यार ये तो फिल्म नहीं लगा, देखिए एक बार भाई। गाइस स्पोर्ट्स मोड नहीं लग रहा, इसमें बैटरी कम है, 20% है। तो हम एक काम करते हैं, एसी ऑफ कर लेते हैं। एसी ऑफ कर ले वे ग्राउंड कर रहे हैं, एसी ऑफ कर लेते हैं। एसी ऑफ कर दे, एसी ऑफ। अब देखते हैं एसी ऑफ करने के बाद क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है, 3 हॉर्न। हाँ वही सेम सा रिस्पॉन्स है एसी ऑफ करने के बाद भी, 120 चढ़ गई। तो अपने इस राउंड की विनर भी क्रेटा रही, सेकंड राउंड की विनर। अब एक रोल रेस करेंगे, उसमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। उसके बाद भाई नेक्स्ट टाइम गाड़ी चार्ज करके लाएगा, फिर स्पोर्ट्स मोड में लगा के देखेंगे स्पोर्ट्स मोड में क्या रिस्पॉन्स देती है। अभी रोल रेस करेंगे एक, और अभी बैटरी भी कम है तो इसको भाई को जाना कहीं। सेम था। सेम था। चल रोल रेस करें। ठीक, तो अभी थर्ड राउंड रोल रेस कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। दो राउंड पे रेस शुरू कर देंगे। तो रेस शुरू होगी और क्रेटा ने पावर दिखाई और अपनी 90 100, और गैप बनता ही जा रहा है। क्रेटा आगे निकल गई इस राउंड में, रोल रेस में भी 120,
और बहुत इजीली अपनी इस राउंड की विनर भी क्रेटा रही। इसमें ज़्यादा बीएचपी होने के बाद भी ये हार रही है। स्पोर्ट्स मोड इसमें लग नहीं रहा क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, और ड्राई मोड पे वो जीत रही है एसी ऑफ करने के बाद भी। तो अभी नेक्स्ट टाइम देखते हैं गाड़ी चार्ज करने के बाद स्पोर्ट्स मोड में क्या रिस्पॉन्स होगा। फाइनल रिजल्ट ये है, अपनी क्रेटा तीनों राउंड में विनर रही, रोल रेस और दो ड्रैग करी थी क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स मोड लग नहीं रहा था, बैटरी नहीं थी, 20% बैटरी थी तो उसमें स्पोर्ट्स मोड नहीं लग रहा। तो मेन रिजल्ट अपनी क्रेटा विनर रही तीनों राउंड की। नेक्स्ट टाइम जब इसमें बैटरी होगी फिर से करेंगे, स्पोर्ट्स मोड में क्या रिस्पॉन्स आता है वो दिखाएंगे आपको, क्योंकि मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स मोड में होने के बाद भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि वैसे ही कम से कम 3-4 गाड़ियों का गैप बन रहा है, तो स्पोर्ट्स मोड में लगने के बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्रेटा जीतेगी। और इसमें मेरे को लग नहीं रहा था इलेक्ट्रिक होने के बाद ये ऐसे हारेगी क्योंकि मेरे को इससे बहुत उम्मीद थी। और इसमें अपनी नेक्सोन ईवी में वेट भी कम था, उसके बाद भी पता नहीं क्या रहा, क्यों नहीं ये भाग रही इतनी, क्योंकि जो मेरी अपनी एमजी है उसमें तो बहुत ज़्यादा पावर दिखाती है, उसमें तो वो तो क्रेटा कार उसके बीच में बहुत 5-6 गाड़ियों का बन जाता है। तो इसमें अभी देखेंगे क्या रहेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, जय भारत।